दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल पर। आज हम दिखाएंगे आप लोगों को जो डीजल लोकोमोटिव जो MEP माइक्रोप्रोसेसर बेस्ड जो लोकोमोटिव रहता है जो WTG 3A मॉडल का, तो उसका जो एक डिस्प्ले के अंदर क्या क्या फंक्शन रहता है तो हम आप लोगों को दिखाने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले जो है ये कोना में जो है आपका इंजन कितना रन हुआ है वो शो करता है, उसके बाद जो है डेट आपको दिखाई दे रहा है, उसके बाद टाइम, और उसके बाद जो है लोको ID शो करता है कि लोको कितना नंबर पर है, और ये आपका जो है एक्सेल जो है दाएं तरफ ये जो आप देख पा रहे हैं ये एक्सेल का काउंट है। उसके बाद जो है आपका ये MR जो देख पा रहे हैं ये आपका जो है लोको जो एयर ब्रेक लगता है तो उसमें जो एयर टैंक रहता है तो उसका जो है इसको MR टैंक कहा जाता है, और उसमें जो है ये 10 kg तक प्रेशर बनता है लेकिन ये फिर धीरे धीरे गिर कर फिर ये आपका 8 kg होता है ऐसे। और अभी जो देख पा रहे हैं ये जो है इसको BP कहा जाता है, ब्रेक प्रेशर जो 2.7 है इसको 4.6 तक जब होगा तब ये जो नीचे देख पा रहे हैं ये जो पावर ऑफ जो है ये पोजीशन ये ऑन हो जाता है, लेकिन अब जो ये कम है 2.7 है तो इसलिए अभी जो है पावर ऑफ दिखा रहे थे। और उसके बाद जो ये BCA मतलब जो ब्रेक सिलेंडर रहता है जहाँ से ब्रेक अप्लाई होता है लोको एक्सल पर लोको व्हील पर, तो ये जो है यहाँ से इसको अभी जो 3.2 दे रहे हैं इसका मतलब ये ब्रेक अभी लगा हुआ है। उसके बाद जो आपको दाएं तरफ में दिखाई देता है ये जो आपका है बैटरी एमीटर के बैटरी कितना चार्ज ले रहा है, उसके बाद ये लोड LM जो है इसको लोड मीटर कहा जाता है मतलब ट्रैक्शन मोटर में कितना एम्पियर करंट जा रहा है। उसके बाद जो रिवर्सर आइडल देख रहा है इसका मतलब ये जो आप कंट्रोल स्टैंड में देख पा रहे हैं इसको कहते हैं रिवर्सर, जो आगे करने से आपका फॉरवर्ड होता है पीछे करने से रिवर्स होता है, तो यही आपको यहाँ पर शो करता है। उसके बाद जो है आपका नीचे जो इंडिकेशन दिखा रहे हर तरह का ऑक्सिलरी फेल, ये ऑक्सिलरी जनरेटर फेल होने से दिखा देता है, सैंड जब व्हील स्लिप होता है तब ये सैंड का काम करता है, ऑटो फ्लशर है, CEB ऑफ है और व्हील स्लिप है, और ये दोनों स्पेयर है इसमें कुछ नहीं है, एयर फ्लो है, और ये जो पावर इसको हम बता दिया आप लोगों को, और जो ग्राउंड है मतलब जब कोई लीकेज ग्राउंड हो जाता है तब तो इसका ये शो करता है कि ग्राउंड हुआ है। उसके बाद जो है आपका ये डाइवर डिस्प्ले आइडल जो है इसको जो है यहाँ पर जो फ्यूल ऑयल प्रेशर है आपका लूब ऑयल प्रेशर है, उसके बाद जो है आपका बैटरी वोल्टेज शो करता है, इंजन RPM कितना RPM में है ये लोको ये शो करता है, उसके बाद जो VCD काउंटर है विजिलेंस कंट्रोल डिवाइस इसका भी काउंटर शो करता है, उसके बाद जो है GHP जो ग्रॉस हॉर्स पावर है 45 जो है इसको है ये अभी शो कर रहा है, उसके बाद EW जो है इसको इंजन वाटर टेम्परेचर कहा जाता है इसका अभी 64.7 कहा जाता है उसके बाद अभी है, और उसके बाद जो लो LO दिखाई दे रहा है इसको लूब ऑयल टेम्परेचर कहा जाता है वो भी 66.6 है, और इंजन पूरा जो इंजन का टेम्परेचर है वो भी 64.7 जो है जो वाटर का टेम्परेचर है उसका इंजन टेम्परेचर माना जाता है। तो यही आपका एक पूरा डिस्प्ले में आपका इतना फंक्शन रहता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।